हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है और आप सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आप एग्ज़ाम के लिए कम्प्लीट सिलेबस प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज जो भी आपका एग्ज़ाम आता है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, लेकिन जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं उसमें हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी नहीं होता कि उस टॉपिक से वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। वो आपका इम्पोर्टेंट है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, या फिर अगर आप यूनिट का हाफ पोर्शन कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। ये जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आपके पास टाइम कम है तभी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट सिलेबस पढ़ रखा है उसके बावजूद भी आप एक बार वीडियो को देखिए, उसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कीजिए। तो जो आपकी बीएससी सेकेंड ईयर में है पेपर वन हम डिस्कस करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, आप कितना पोर्शन कर सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ। अब जैसे इसके अंदर यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट का नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के आपकी दो यूनिट हैं जो हम बेसिक में भी कर चुके हैं पहले। इसके अंदर जो दोनों ही यूनिट हैं वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जिसको फर्स्ट यूनिट को हमने नाम दिया है CP, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और उसकी एप्लीकेशन। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेज है आपकी वो फोर्ट्रान लैंग्वेज के बारे में आपको बताया गया है कंप्लीट। लेकिन जब फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट यूनिट में आपको थ्रोली कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इसमें से आप ये नहीं कर सकते जैसे हम करते हैं कि हाफ पोर्शन कर लिया हमने यूनिट का, उसमें से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप कम से कम जो बेसिक है कंप्यूटर का वो हम ऑलरेडी जानते होते हैं। हम बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो जो बेसिक है वो एक बार हम रीडिंग ले सकते हैं। बेसिक में से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन आने के लिए सिर्फ ये भी आ सकता है कि कंप्यूटर को डिफाइन करो और उसके जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या यूज़ होते हैं वो डिफाइन करो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इतना इजी सा। उसके बाद इस ये जो कंप्लीट यूनिट है उसमें आपके 8 या 9 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, उन छोटे छोटे चैप्टर में कंप्लीट आपको जो फोर्ट्रान है कैसे यूज़ करते हैं, इफ स्टेटमेंट, राइट, रीड, ये जो स्टेटमेंट हैं या फिर वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। और इनमें से जो आप कर सकते हैं, पहला आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर कीजिए, और कम से कम इफ स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट ये आपको कंप्लीट करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। और साथ के साथ जो फ्लो चार्ट हैं वो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको थ्रोली करना है, ये हम नहीं बोल सकते कि इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट बन सकता है। कोई भी चैप्टर आपका ऐसा नहीं है जिससे आप 8 मार्क्स कंप्लीट एक जगह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका क्वेश्चन आता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। इस एक क्वेश्चन में से आप जो क्वेश्चन है फर्स्ट चूज किया सपोज, वो भी 4 मार्क्स का होगा और वो भी 4 का होगा, या फिर डिवाइड करके 1, 2, 3 ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा वो बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे। उसके बाद जो ये यहाँ से आपका कंप्लीट 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ से आप यूनिट को हाफ पोर्शन में डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आपको कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो एप्लीकेशन में है ना, एप्लीकेशन में आपके बुक में 9 प्रोग्राम दिए हुए हैं, 9 में से आपके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पहले 5 कर लें बाद के 3 छोड़ दें, तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो आपके बाद वालों में से आ जाए, बिकॉज जो भी बाद वाले 3 हैं प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको छोड़ना ही है तो जो 9 प्रोग्राम है उसमें से फर्स्ट 4 छोड़ दीजिए, बाकी के जो 5 है वो तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। और उनमें से भी जो ये प्रोग्राम है ये आपको करना ही है, टू इवेलुएट फाइनाइट इंटीग्रल 1 यूजिंग द सिम्पसन 1/3 रूल। वैसे ये जो टॉपिक है सिम्पसन 1/3 रूल ये मैथ्स में यूज़ होता है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर,
ये जो फॉर्मूला जिस तरीके से भी होता है इसका प्रोग्राम बनाना है और उसके बाद आप रिजल्ट वेरीफाई कराते हैं। आप लोगों ने ये जो फर्स्ट टू यूनिट्स है इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी होती है आपकी, तो आपने की होगी, आपको पता है कि प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं। और प्रोग्राम ही जरूरी नहीं है, वो आपसे एल्गोरिथम भी पूछा जा सकता है और प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो आपको एग्जाम में आंसर शीट के ऊपर लिखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है आपका, एक तो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम यही है सिम्पसन वन थर्ड रूल वाला, और सेकंड क्या है ट्रेपेजॉइड रूल वाला, ये भी आपका मैथ्स का टॉपिक है लेकिन इसमें पूछा गया है। उसके बाद लिस्ट स्केयर फिटिंग मेथड, ये तीन प्रोग्राम हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से आपका एक एग्जाम में जरूर आएगा। और जो फर्स्ट हैं असेंडिंग डिसेंडिंग है मैट्रिक्स वाला है, इनकी जो पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी लेकिन बहुत कम है, ये हमारा गैस है कि ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो तीन प्रोग्राम है ये आपके आएंगे अगर तो कंप्लीट 8 मार्क्स में ही आएंगे, 4 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से। और अगर बनेगा भी तो क्या पता जो फर्स्ट 5 प्रोग्राम्स हैं उनमें से कोई भी 2 पूछ लिए जाएँ आपसे 4 4 मार्क्स में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आप प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट 2 यूनिट्स के। इसके बाद आपकी थर्मोडाइनेमिक जो यूनिट थर्ड है वो आपकी है थर्मोडाइनेमिक्स 1, और ये जो है ये यूनिट फोर्थ है आपकी थर्मोडाइनेमिक्स 4। इसके अंदर जो थर्मोडाइनेमिक्स है ना, इसमें आपके 2 चैप्टर दिए हुए हैं या फिर 3 चैप्टर दिए हुए हैं, 3 चैप्टर में से आप कोई भी 2 चैप्टर प्रिपेयर कीजिए, थर्ड आप छोड़ सकते हैं वहाँ से, मतलब जो 2 चैप्टर हैं आपके 2 चैप्टर में, एक मिनट, जो आपका 2 चैप्टर हैं थर्मोडाइनेमिक्स है, फर्स्ट आपका थर्मोडाइनेमिक्स का बेसिक है, सेकंड चैप्टर आपका एंट्रोपी है, और जो थर्ड चैप्टर है आपका का लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, उसको आप छोड़ सकते हैं। बिकॉज अगर हम 2 चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं तो इनमें से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है उसके अंदर ये जो जूल थॉम्सन इफेक्ट मैंने टॉपिक लिखा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर थर्मोडाइनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जूल थॉम्सन इफेक्ट पर ही पूछेगा। और जो इस थर्मोडाइनेमिक्स है, थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर जूल थॉम्सन इफेक्ट या फिर इसी के कॉन्टिन्यूएशन में आता है आपका, मतलब अगर क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाएगा तो कंबाइन पूछा जाएगा इसका। आपको पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस करना है एग्जाम में कैसे आएगा, कंप्लीट जूल थॉम्सन इफेक्ट भी आएगा और उसके कॉन्टिन्यूएशन में अगर 8 नंबर में आ रहा है तो कंप्लीट पूछा जाएगा आपसे। ये हम जो थर्मोडाइनेमिक्स हमारी क्लास में चली हुई है ये टॉपिक उसमें हो चुका है जूल थॉम्सन इफेक्ट वाला, तो वहाँ पर भी मैंने बताया है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। अब अगर आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट प्रिपेयर कीजिए। जो थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट है उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और एक क्वेश्चन बनता है आपका कार्नोट थ्योरम। जो भी इंजन वाला टॉपिक है वो ठीक है इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में थ्योरम आपसे पूछी जा सकती है। जो हीट इंजन है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है कि वो आपसे पूछा जाएगा, तो आप यूनिट के लास्ट पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप जस्ट बेसिक देखने के लिए जस्ट एक बार रीडिंग ले सकते हैं, बाकी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर अगर 4 नंबर में यहाँ थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आपसे एंट्रोपी से पूछा जा सकता है, और एंट्रोपी में जितने भी टॉपिक हैं वो आपके ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एंट्रोपी के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एंट्रोपी क्या होती है, बाकी सारे क्वेश्चन इजीली हैंडल हो जाते हैं। और इसी के अंदर एंट्रोपी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका सबसे लास्ट का नरनेस्ट हीट इक्वेशन से, ये जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो भी एंट्रोपी है ना इसमें जो आपके कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो कंपलसरी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो कंप्लीट आपका, जैसे चार क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर भी 3 या 2 नंबर के, उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और एक आपका थर्मोडाइनेमिक्स से भी पूछा जाएगा।
तो ये थे आपके यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अंदर आप जो थर्ड चैप्टर है ना लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस वाला, वो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से अटेम्प्ट हो रहा है। ओके, तो फोर्थ यूनिट डिस्कस करते हैं हम। जो फोर्थ यूनिट है ना, फोर्थ यूनिट में आपके कई सारे टॉपिक बनते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है जिनके आने की, इसमें सिर्फ सेलेक्टेड थे, लेकिन फोर्थ यूनिट में एक बार आप सुन लीजिए, जो कि यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन लिखी है वो मैंने सिर्फ उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में कैसे आएगा, डेरिवेशन ऑफ क्लैसियस एंड क्लैपरन एंड क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में आने के लिए, ये सिर्फ इतना प्रूफ भी आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ चार नंबर में आएगा। ठीक है, चार नंबर में ही, वैसे भी यहाँ पर चार चार नंबर के क्वेश्चन ही बनेंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे। या तो ये सिर्फ ये जो टॉपिक है ना आपका, ये फर्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स 2 का, तो यहाँ से ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इसी के कॉन्टिन्यूएशन में अगर आप यूनिट को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी के उसमें कॉन्टिन्यूएशन में आपका ट्रिपल पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्लीट ग्राफ है आपका, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ट्रिपल पॉइंट की, वो आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद अगर आप फर्स्ट पार्ट छोड़ना चाहते हैं और लास्ट का पार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर से जो डेरिवेशन है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन के, वो कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर जो यूनिट है वो डिवाइड नहीं हो रही है, जैसे ये यूनिट डिवाइड हो रही थी कि थर्ड आप छोड़ सकते हो, तो या तो जो थर्मोडायनेमिक्स 2 है उसमें आप कहाँ तक कर सकते हैं, जो भी फोर्थ है ना आपकी, फोर्थ यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका लेटेंट हीट एंड ट्रिपल पॉइंट वाला है। इसमें फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट टॉपिक ही आपका ये है, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन, ये आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी के कॉन्टिन्यूएशन में सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन है, जो कि वहाँ पर लिखी हुई है, ये भी प्रूफ में आ सकती है, डी एल डिवाइडेड बाई डी टी, इसको मॉडिफाई फॉर्म में लिखा गया है। इसके बाद ओके, फेज डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट, यहाँ तक आप यूनिट को कर सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन ही बन रहा है आपका, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही बने, 8 का कंप्लीट नहीं होता यहाँ से। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन ही बनेगा, जिसमें आपकी मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन है। तो फर्स्ट आप फर्स्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन भी आपको आने चाहिए 8 नंबर में, तभी आपका 8 नंबर कंप्लीट होंगे, जब आप मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस जो ये टॉपिक है, इसमें आप एक लास्ट टॉपिक कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिपेयर कीजिए एज कम्पेयर टू लास्ट, और मैक्सवेल इक्वेशन तक कीजिए। लास्ट का पोर्शन है वो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे बीएससी सेकंड ईयर के लिए, सिर्फ पेपर 1 के। पेपर 2 के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सबके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।